ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये कष्टप्रायेषु भद्रेषु कष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत। हरे कृष्ण प्रभु जी। आज नया अध्याय है, 5 श्लोक और पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादियस्य यतो अन्वयात्। इतरस्तश्च अर्थेषु अभिज्ञा स्वराट्। तेने ब्रह्महिताय आदिकवे। मुह्यन्ति यत् सूर्यः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो। यत्र त्रिसर्गो अमृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तु कुहकम्। सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोजित कैतवो अत्र। परमो निर्मत्सराणां सताम्। वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु। शिवतं त्राप त्रय उन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते। किं वा परेश्वरः। सद्यो हृदि अवरुद्धते अत्र। पृथिभिः शुश्रुभित् तक्षणः। निगम कल्प तरोर गलितं फलम्। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुक्तम्। पिबद भागवतम रसमालयम्। मुहुर्हो रसिकाः भुवि भावुकाः। एते चांस कला पुंसः। कृष्णः तु भगवान् स्वयम्। इन्द्रारि व्याकुलं लोकम्। प्रणयन्ति युगे युगे। 1.3.29 जन्म गुह्यं भगवतो। य एतत् प्रियतो नरः। सायं प्रातर्गृणन् भक्त्या। दुःखग्रामादिमुच्यते। आज आठवां अध्याय है गर्भोदक्षयी विष्णु का प्राकट्य। गर्भोदक्षयी विष्णु कैसे प्रकट होते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। विदुर ने मैत्रेय को बहुत सवाल पूछे, अब वो ये वर्णन करते हुए बहुत सारे सवालों के उत्तर इसमें निकल आएंगे। मैत्रेय उवाच सत्सेवनीयो बत्पूर्वंशो यत्लोकपालो भगवत्प्रधानः बहुविधेह अजित्कीर्तिमाला पदे पदे नूतन्यसि अभीक्षणम्। मैत्रेय उवाच
सत्सेवनीयो मत्पूर्वंशो यत्लोकपालो भगवत प्रधानः बहुविधेह अजित्कीर्तिमालां पदे पदे नूतनयसि अभीक्ष अभीक्षणम्। मेरे साथ पढ़िए मैत्रेय वाचा। मैत्रेय वाचा यत सेवनीयो मत्पूर्वंशो यत लोकपालो भगवत प्रधानः बहुविधेह अजित कीर्तिमालां पदे पदे नूतनयसि अभीक्षणम्। शब्दार्थ है मैत्रेय वाचा, श्री मैत्रेय मुनि ने कहा सत्सेवनीय शुद्ध भक्तों की सेवा करने का पात्र भद ओह निश्चय ही पूर्व वंश राजा पुरु का वंश यत क्योंकि लोकपाल राजा है भगवत प्रधान भगवान के प्रति मुख्य रूप से अनुरक्त बहुविध तुम भी उत्पन्न थे यह इसमें अजित अजय भगवान कीर्तिमाला कार्यों की श्रृंखला पदे पदे प्रत्येक पद पर नूतनयसी नवीन से नवीनतम बनते हो अभीक्षणम सदैव। महामुनि मैत्रेय ने विदुर से कहा राजा पुरु का राजवंश शुद्ध भक्तों की सेवा करने के लिए योग्य है। ये पुरु वंश कौन सा है? पुरु वंश जो कौरव थे पांडव थे इनके इस वंश में पहले कोई राजा पुरु हुए थे इसलिए पुरु वंश कहा गया और उससे पहले भरत हुए थे दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र इसलिए भरत वंश भी कहा जाता है। भगवान कृष्ण को हे भरत वंशी हे भारत करके पुकारते थे तो ये पुरु भी राजा हुए हैं इनके वंश में इसलिए कहा गया। राजा पुरु का राजवंश शुद्ध भक्तों की सेवा करने के लिए योग्य है क्योंकि उस वंश के सारे उत्तराधिकारी भगवान के प्रति अनुरक्त हैं सारे भगवान के भक्त थे इसलिए तुम भी उसी कुल में उत्पन्न हो विदुर से कह रहे हैं और यह आश्चर्य की बात है कि तुम्हारे प्रयास से भगवान की दिव्य लीलाएं प्रतिक्षण नूतन से नूतनतर होती जा रही हैं। वाह क्या क्या बढ़िया बोला। मेरे साथ पढ़िए महामुनि मैत्रेय ने विदुर से कहा राजा पुरु का राजवंश शुद्ध भक्तों की सेवा करने के लिए योग्य है क्योंकि उस वंश के सारे उत्तराधिकारी भगवान के प्रति अनुरक्त हैं तुम भी उसी कुल में उत्पन्न हो और यह आश्चर्य की बात है कि तुम्हारे प्रयास से भगवान की दिव्य लीलाएं प्रतिक्षण नूतन से नूतनतर होती जा रही हैं हाँ ये कहते हैं ना ताजा यादें ताजा हो गई ऐसे मतलब ये है नूतन से नूतनतर होती जा रही हैं नूतन नया हुआ नूतनतर उससे भी नया क्योंकि विदुर पूछ रहे हैं मैत्री से तो भगवान की लीलाओं का वर्णन हो रहा है तो इसलिए वो कह रहे हैं क्योंकि ये भी पुरु वंश का है तुम्हारी वजह से भगवान की लीलाओं का वर्णन हो रहा है ये कहने का मतलब है।
तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य शीला प्रपात को जा रहा, शीला प्रपात की जय। महामुनि मैत्रेय ने विदुर को धन्यवाद दिया और उनके वंश की ख्याति का संदर्भ देते हुए उनकी प्रशंसा की। पूर्व वंश भक्त भक्तों से भरा पूरा था और इसके कारण महिमा मंडित था। चूंकि वे लोग निर्विशेष ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा के प्रति अनुरक्त ना होकर सीधे भगवान अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम से जुड़े थे, अतः वे भगवान एवं उनके शुद्ध भक्तों की सेवा करने के योग्य थे। क्योंकि विदुर उसी वंश के वंशज थे, अतः स्वाभाविक था कि वे भगवान के नित्य नूतन यश का दूर दूर तक विस्तार करने में लग गए। विदुर जैसे व्यक्ति की महिमा मंडित संगति पाकर मैत्रेय आनंदित थे। उन्होंने विदुर की संगति को अति वांछनीय माना, क्योंकि ऐसी संगति से मनुष्य की भक्ति में सेवा की सुसुप्त प्रवृत्तियां त्वरया युक्त हो जाती हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बोलिए। तो ये विदुर को धन्यवाद दे रहे हैं क्योंकि उनको भी अच्छा लग रहा है भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हुए। विदुर ने कम सवाल नहीं पूछे मैत्रेय मुनि से, बहुत बौछार कर दी सवालों की उन्होंने। अब ये अध्याय जो आ रहा है इसमें बहुत सारे आंसर मिल जाएंगे। सो अहम नृणाम सुल सुखाय दुखम महद्गतानां विर्माय तस्य प्रवर्तये भागवतं पुराणं यद आह साक्षात् भगवान ऋषिभ्यः। मेरे साथ पढ़िए। सो अहम नृणाम सुल सुखाय दुखम। महद्गतानां विर्माय तस्य प्रवर्तये भागवतं पुराणं आह साक्षात् भगवान ऋषिभ्यः। शब्दार्थ है सह वह अहम मैं नृणाम मनुष्यों के सुल्ल अति अल्प बहुत छोटा, सुखाय सुख के लिए, दुखम दुख महत भारी, गतानाम को प्राप्त, निर्माय शमन हेतु तस्य उसका प्रवर्तये प्रारंभ में भागवतम श्रीमद भागवत पुराणम पुराण में यत जो आह कहा साक्षात प्रत्यक्ष भगवान भगवान ने ऋषिभ्य ऋषियों से। अब मैं भागवत पुराण से प्रारंभ करता हूँ जिसे भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से महान ऋषियों से उन लोगों के लाभार्थ कहा था, कि लोगों के जो अति अल्प आनंद के लिए अत्यधिक कष्ट में फंसे हुए हैं। अति अल्प आनंद, छोटा सा आनंद मिलता है और लड़ रहे हैं सुबह से शाम तक। कितने हम संघर्ष करते हैं सुबह से उठ के शाम तक, भौतिक जगत में भौतिक कार्यों में हम इतने ज्यादा उलझ जाते हैं, और वो मिलता क्या है, अल्प लाभ। अति अल्प लाभ के लिए ज्यादातर दुख मिलते हैं, इसलिए बोल रहे हैं। मेरे साथ पढ़िए। अब मैं भागवत पुराण से प्रारंभ करता हूँ जिसे भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से महान ऋषियों से उन लोगों के लाभार्थ कहा था, जो अति अल्प आनंद के लिए अत्यधिक कष्ट में फंसे हुए हैं। तात्पर्य माता जी। श्री कृष्ण लवली कोहली माता जी।
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सबको दंडवत प्रणाम। सुशील प्रपात जी की जय। सुशील प्रपात जी के द्वारा तात्पर्य है, मैत्रेय मुनि ने श्रीमद् भागवतम के विषय में बोलने का प्रस्ताव रखा क्योंकि उसकी रचना विशेष रूप से मानव समाज की समस्त समस्याओं के समाधान के लिए की गई थी और ये शिष्य परंपरा से रूढ़िगत चली आ रही है। जो भाग्यशाली है केवल वही भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति में श्रीमद् भागवतम सुनने का सुअवसर प्राप्त कर सकता है। भौतिक शक्ति के जादू के अधीन सारे जीव स्वल्प भौतिक सुख के निमित्त ही अनेक कठिनाइयों के बंधन में फंसे हुए हैं। वह सकाम कर्मों की उलझनों को ना जानते हुए उनमें लगे रहते हैं। मैं इस मिथ्या भाव के कारण कि शरीर आत्मा है और अनेक भौतिक शक्ति के जादू के अधीन सारे जीव स्वल्प भौतिक सुख के निमित्त ही अनेक कठिनाइयों के बंधन में फंसे हुए हैं। वह सकाम कर्मों की उलझनों को ना जानते उनमें लगे रहते हैं। वह इस मिथ्या भाव के कारण कि शरीर आत्मा है अनेकों अनेक मिथ्या आसक्तियों से अपने को संबंध करते हैं। वह सोचते हैं कि वह भौतिकतावादी साज सामग्री से सदा जुड़े हुए रह सकेंगे। जीवन की यह मिथ्या भ्रांति इतनी प्रबल होती है कि मनुष्य भगवान की बहिरंगा शक्ति के अधीन जन्म जन्मांतर कष्ट उठाता रहता है। यदि वह भागवत ग्रंथ तथा भागवत जानने वाले भक्त भागवत इन दोनों में संपर्क में आता है तो ऐसा भाग्यशाली व्यक्ति भौतिक पाश से छूट जाता है। अतः संसार के दुखी लोगों के प्रति दया के कारण श्री मैत्रेय मुनि पहले श्रीमद् भागवतम के विषय में बोलने का प्रस्ताव रख रहे हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा माता, ये बिल्कुल सही बात है। थोड़ी सी चीज के लिए प्राप्त करने के लिए सुबह से शाम तक इतना कष्ट करते हैं हम भौतिक जगत में, और क्या ये छोड़ देंगे? नहीं, ये करिए आप, कष्ट नहीं होगा आपको। अगर भगवान से जुड़ जाएंगे कष्ट नहीं होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महाराज जपते रहिए। आपको लाइन में लगना पड़ा कोई कष्ट नहीं, माला जपिए, आपका तो समय बर्बाद नहीं होता है। ये तो इसके लिए जो थोड़े से आनंद के लिए हम इस भौतिक जगत में कितना कष्ट उठाते हैं आपको सबको पता है, हर चीज के लिए। तो उनके हेतु ये भागवतम सुनाई गई ऋषि मुनियों को भगवान के द्वारा। आसेनम उर्व्याम भगवंतम आद्यम संकर्षणम देवम अकुंठ सत्वम विविध सवह तत्वमतः परस्य कुमार मुख्या मुनियो अन्न पृच्छन्। आसेनम उर्व्याम भगवंतम आद्यम संकर्षणम देवम अकुंठ सत्वम विविधसवस, विविधसव या विविधसव, विविधसवस, विविधसव तत्त्वम अतः परस्य कुमार मुख्या मुनियो अन्न प्रच्छन्। मेरे साथ पढ़िए। आसेनम उर्व्याम भगवंतम आद्यम, आसीनम उर्व्याम भगवंतम आद्यम, संकर्षणम देवम अकुंठ सत्वम, विवित्सवः तत्त्वम अतः परस्य, कुमार मुख्या मुनियो अन्न प्रच्छन्। शब्दार्थ है आसीनम विराजमान, उर्व्याम ब्रह्मांड की तली पर, भगवंतम भगवान को, आद्यम आदि, संकर्षणम संकर्षण को, देवम भगवान, अकुंठ सत्वम अबाध ज्ञान, विविधसव जानने के लिए उत्सुक, तत्वम अतः इस प्रकार का सत्य, परस्य भगवान के विषय में, कुमार बाल संत, चार कुमार थे,
मुख्या इत्यादि प्रमुख। मुनयः मुनियों ने अन्वप्रच्छन इस तरह से पूछा, कुछ काल पूर्व, बता रहे हैं मैत्रेय मुनि विदुर को, कुछ काल पूर्व तुम्हारे ही तरह संतों में प्रमुख सनत कुमार ने अन्य महर्षियों के साथ जिज्ञासावश ब्रह्मांड की तली में स्थित भगवान शंकर से भगवान वासुदेव विषय सत्व के बारे में पूछा था। वासुदेव यहाँ कृष्ण के लिए, शंकरसन कौन है जिन्होंने इस सारे ब्रह्मांड को अपने में धार रखा है, उनके सिर पर है ब्रह्मांड का बोझ पूरा, इसलिए कहा है ब्रह्मांड की तली में। मेरे साथ पढ़िए, कुछ काल पूर्व, कुछ काल पूर्व तुम्हारी ही तरह, तुम्हारी तरह कुमार संतों में प्रमुख, कुमार संतों में प्रमुख, तुम्हारी तरह कुमार संतों, चार हैं, चार में प्रमुख है सनत कुमार। सनत कुमार ने, सनत कुमार ने अन्य महर्षियों के साथ, अन्य महर्षियों के साथ जिज्ञासावश, ब्रह्मांड की तली में स्थित भगवान शंकरसन से, भगवान शंकरसन से भगवान वासुदेव विषयक, भगवान वासुदेव सत्यों के बारे में पूछा था, सत्यों के बारे में पूछा था, साथ तात्पर्य। हरे कृष्ण अरुण गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। यह इस कथन का स्पष्टीकरण है कि भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से श्रीमद् भागवत के विषय में कहा। यहाँ पर बताया गया है कि कब और किससे भागवत कही गई है। विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्नों के ही समान प्रश्न सनत कुमार जैसे महामुनियों ने पूछे थे और भगवान वासुदेव के स्वांश भगवान शंकरसन ने उनके उत्तर दिए थे। हरे कृष्ण। भगवान शंकरसन ने उत्तर दिए थे, ये भगवान का स्वांश है शंकरसन जो है। आपने पहले पढ़ा भी है, ये जो चार आते हैं शंकरसन और अनिरुद्ध और प्रद्युम्न और वासुदेव, त्वमेव धिष्ठयं बहुमानयन्तं यद्वासुदेवा अभिमान अभिधम आमनन्ति प्रत्यक्षता अक्ष अम्बुज कोशम कोशम ईशत उन्मीलयन्तं विबुधो दयाय त्वमेव धिष्णयं बहुमानयन्तं यद् वासुदेव अभिधम अभिधम आमनन्ति प्रत्यक्षत अक्ष अम्बुज कोशम ईषद् उन्मीलयन्तं विबुधो दयाय। मेरे साथ पढ़िए धीरे धीरे। त्वमेव धिष्णयं बहुमानयन्तं, यद् वासुदेव अभिधम आमनन्ति अम्बुजकोशम ईषद प्रत्यक्षत अक्ष अम्बुजकोशम ईषद
उन्मीलयन्तं विबुधोदयाय शब्दार्थ है स्वयं स्वयं एव इस प्रकार दिशलयं स्थित बहु अत्यधिक मानयन्तं माननीय यत जो वसुदेव भगवान वसुदेव अविधम नामक आमनंती स्वीकार करते हैं प्रत्येक धृत अक्ष भीतर झांकने के लिए टिकी आंखें अंबुज कोशम कमल सदृश नेत ईशद कुछ कुछ उन्मीलयंतम खुली हुई विबुध अत्यंत विद्वान ऋषियों की उदयाय प्रगति के लिए। उस समय भगवान शंकरसन अपने परमेश्वर का ध्यान कर रहे थे। अब आप कहेंगे ये तो भगवान है, किसका ध्यान कर रहे थे? परमेश्वर, क्योंकि भगवान के स्वांश हैं, भगवान कृष्ण का, जिन्हें विद्वजन भगवान वासुदेव के रूप में सम्मान देते हैं, वही भगवान कृष्ण को। किंतु महान पंडित मुनियों की उन्नति के लिए उन्होंने अपने कमलवत नेत्रों को कुछ कुछ खोला और बोलना शुरू किया। किसने? शंकरसन ने। मेरे साथ पढ़िए, उस समय भगवान शंकरसन अपने परमेश्वर का ध्यान कर रहे थे, जिन्हें विद्वजन भगवान वासुदेव के रूप में सम्मान देते हैं। भगवान किंतु महान पंडित मुनियों की उन्नति के लिए उन्होंने अपने कमलवत नेत्रों को कुछ कुछ खोला और बोलना शुरू किया। पर ध्वनि उदाद्र स्वजटा कलाप रूप स्मरसंतम रूप स्पंतस चरणोपधानम पद्मं यद अर्च पद्मं यद अर्चन्ति अहिराज कन्या सप्रेम नाना बलिभिर् वरार्था वरार्था। ऐसे ही पढ़ते हैं जैसा है। स्वधुर्ण्यों दाद्रै स्वजटा कलापै रूपस्पर्शन्तस् चरणौ पधानम् पद्मं यद यद अर्चन्ति अहिराज कन्या सप्रेम नाना बलिभिर् वरार्था। मेरे साथ पढ़िए, स्वधुर्ण्यो दाद्रय स्वजटा कपाल रूप स्पर्शन्तः चरणोपधानम् रूप स्पर्शन्तः चरणोपधानम् रूप स्पर्शन्तः चरणोपधानम् अहिराज कन्या पद्मं यद अर्चन्ति अहिराज कन्या प्रेम नाना बलिभिर् वरार्था शब्दार्थ है स्वर ध्वनि उद गंगा के जल से आद्रे
भीगे हुए स्वजटा बालों का गुच्छा कलाप है सिर पर स्थित उपस्प्रसंत वहां है उपस्प्रसंत की बात उपस्प्रसंत उस तरह छूने से चरण उपधानम उनके चरणों की शरण पद्मम चरण कमल यत जो अर्चन की पूजा करते हैं अहिराज सर्पों का राजा कन्या पुत्रियां सप्रेम अति भक्ति समेत नाना विविध बलि भी सात सामग्री द्वारा पर अर्था पतियों की इच्छा से क्योंकि मुनिगण गंगा नदी के माध्यम से उच्चतर लोकों से निम्नतर भाग में आए थे मुनिगण फलस्वरूप उनके सिर के बाल भीगे हुए थे क्यों उन्होंने भगवान के उन चरण कमलों का स्पर्श किया जिनकी पूजा नागराज की कन्याओं द्वारा अच्छे पति की कामना के से विविध सामग्री द्वारा की जाती है। मेरे साथ पढ़िए क्योंकि मुनिगण गंगा नदी के माध्यम से उच्चतर लोकों से निम्नतर भाग में आए थे फलस्वरूप उनके सिर के बाल भीगे हुए थे उन्होंने भगवान के उन चरण कमलों का स्पर्श किया जिनकी पूजा नागराज की कन्याओं द्वारा अच्छे पति की कामना से विविध सामग्री द्वारा की जाती है तात्पर्य हरे कृष्ण अत्रे माता जी हरे कृष्ण तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय शील प्रभुपाद के द्वारा गंगा का जल सीधे श्री विष्णु के चरण कमलों से प्रवाहित होता है और उसका मार्ग ब्रह्मांड के उच्चतम लोक से लेकर निम्नतम लोक तक जाता है। मुनिगण प्रवाहित जल का लाभ उठाकर सत्यलोक से नीचे आए। परिवहन की ये विधि योग शक्ति से ही संभव हो सके। यदि कोई नदी हजारों मील तक प्रवाहित होती है तो पुण्य योगी इसके जल में केवल डुबकी लगाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर तुरंत पहुंच सकता है। गंगा ही एकमात्र ऐसी नदी है जो समूचे ब्रह्मांडों में प्रवाहित होती है और मुनिगण इस पवित्र नदी के माध्यम से ब्रह्मांडों भर में यात्रा करते हैं। ये कथन कि उनके बाल गीले थे ये सूचित करता है कि विष्णु के चरण कमल से सीधे निकले जल गंगा से ही बाल गीले थे। जो भी व्यक्ति अपने सिर से गंगा जल का स्पर्श करता है वो प्रत्यक्ष रूप से श्री भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करता है और संपूर्ण पाप कृत्यों से के फलों से मुक्त हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति गंगा में स्नान करने या समस्त पापों के धुल जाने के बाद फिर से पाप करने से अपने आप को बचाता है तो निश्चित रूप से उसका उद्धार हो जाता है। किंतु यदि वो पुनः पाप कर्म करने लगता है तो उसका गंगा स्नान हाथी के स्नान की तरह है जो नदी में ठीक से नहाता है किंतु बाद में भूमि के धूल से अपने शरीर को दूषित करके सारी किया कराया बिगाड़ लेता है। हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा बहुत अच्छा। एक तो ये बताया कि जो ये मुनिगण है ये इनमें ऐसी शक्ति एक जगह डूब के लगाएंगे और दूसरी जगह से निकल जाएंगे ऐसा उनमें ये था इसलिए कहा वो गंगा के साथ
उच्च लोक से नीचे आए थे। एक ये बात है। दूसरा, इसमें जब आप गंगा नदी में नहाते हैं, जब भी कभी आप डुबकी का महत्व है, मैं डुबकी लगा के आया कहते ना लोग, क्या मतलब है? क्योंकि गंगा नदी भगवान के पैरों को छूते हुए आती, तो इसका मतलब है अगर आप गंगा में अपने सिर को डुबोते हैं तो आप अपने सिर को भगवान के चरणों में रखते हैं। ये महत्व है, ये बहुत जरूरी है। आप अगर डुबकी नहीं भी लगा सकते हैं तो गंगा नदी के पानी को लेकर के अपने सिर में डाल सकते हैं ताकि आपका सिर भगवान के चरण कमलों में आ जाए। ये बहुत अच्छा लिखा है प्रभुपाद ने कि आपसे गलतियां होती हैं, सबसे। भौतिक जगत में है, हम प्रकृति के तीन गुणों में फंसे हैं, गलतियां अवश्य होती हैं। तो आपने कुछ गलती ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमको पता भी नहीं होता कि हमसे गलती हुई, अनजाने में गलती होती है और पता नहीं लगता, कुछ में पता लग जाता है, तो आपको प्रायश्चित करना है। और कहीं पर आपसे गलती हुई है, जानबूझ के भी हो सकती गलती हुई हो, गंगा नदी में अगर आपने स्नान किया, डुबकी लगाई, उसके बाद गलती नहीं होनी चाहिए, तो आपका कल्याण होगा। उसके बाद आपने सोचा अरे ठीक है गलती कर लो, अगले साल फिर डुबकी लगा क्या होगा, ये गलत होता है, इसका दंड मिलता है। ये बहुत जरूरी है कि आप गंगा में स्नान करके आइए, उसके बाद गलती मत करिए। जिन गलतियों के लिए आप गए थे कि मेरे से ये गलती हुई है और वो गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से जब आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ते हैं, आपके पुराने कर्म उनका वो धीरे धीरे उनका फल कम होते जाता है। जो पाप आपने किए हैं वो पाप हटते जाते हैं, और अगर आप शुद्ध भक्ति में आ गए सारे पाप धुल जाते हैं आपके। और उसके बाद अगर आप फिर हाथी की तरह, फिर हाथी क्या करता है, नहाता है और बाहर कीचड़ में आता है, वो कीचड़ अपने ऊपर फिर फेंकता है धूल वगैरह मिट्टी को, तो अगर ऐसा किया हमने तो फिर हमारा कोई रास्ता नहीं बन जाता है। एक बार आप भक्ति में आते हैं, जैसे कहा गया कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से हमारे पाप धुल सकते हैं, बशर्ते कि हम इस मंत्र के शक्ति पर पाप न करें। जैसे मैंने कहा कि अरे ये गलती कर कोई बात नहीं है, दो माला और जप लेंगे, महान पाप है, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना आप जपते हैं जपिए, लेकिन इसका उपयोग अपने पाप धोने के लिए कभी मत करिए। ये आप जपते रहिए, भक्ति में आगे बढ़ेंगे, आपके पाप धुलते जाएंगे पीछे। लेकिन हमें कभी भी गलती से ये नहीं सोचना चाहिए कि ये पाप हो गया, दो माला और जप लेंगे, तीन माला और जप लेंगे, कभी नहीं। माला जब जप रहे हैं उसके बाद आपको पाप नहीं करना चाहिए। मुहुर गणंतो वजसानुराग स्खल स्खल स्खलत पदेनास्य कृतानि तज्ज्ञा किरीट साहस्र मणि प्रवेक प्रद्योतितो द्याम फणा सहस्रम। मेरे साथ पढ़िए। मुहुर गणंतो वचसानुराग पदेनास्य कृतानि तज्ज्ञा क्रीट साहस्र मणि प्रवेक क्रीट साहस्र मणि प्रवेक प्रद्योतितो द्यात्
प्रद्योतित उद्याम है वो प्रद्योतित्याम फणा सहस्रम प्रद्योतितो द्याम फणा सहस्रम शब्दार मुहु बार बार ग्रंथ गुणगान करते वचसा शब्द से अनुराग अति स्नेह से स्खलत पदेन समलय के साथ अस्य भगवान के कृतानि कार्यकलाप तत्ज्ञा तज्ज्ञा है ना तत्ज्ञा लीलाओं के जानने वाले किरीट मुकुट सहस्र हजारों मणि प्रवेग मणियों के चमचमाते तेज प्रद्योतित उद्भासित उद्यम उठे हुए पणापन सहस्रम हजारों सनत कुमार आदि चारों कुमारों ने जो भगवान के दिव्य लीलाओं के विषय में सब कुछ जानते थे स्नेह तथा प्रेम से भरे हुए भरे चुने प्रश्नों से लय सहित भगवान का गुणगान किया। उस समय भगवान शंकरसन अपने हजारों पनों को उठाए हुए अपने सिर की चमचमाती मणियों से तेज बिखेरने लगे। मेरे साथ पढ़िए सनत कुमार आदि चारों कुमारों ने जो भगवान की दिव्य लीलाओं के विषय में सब कुछ जानते थे स्नेह तथा प्रेम से भरे सुने हुए शब्दों से लय सहित भगवान का गुणगान किया हाँ मतलब गा के लय सहित मतलब गा के किया। उस समय भगवान शंकरसन अपने हजारों फनों को उठाए हुए अपने सिर की चमचमाती मणियों से तेज बिखेरने लगे। तात्पर्य माता हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी शील प्रपाद जी की जय। शील प्रपाद जी द्वारा तात्पर्य भगवान कभी कभी उत्तम श्लोक कहलाते हैं जिसका अर्थ है जिसकी पूजा भक्तों द्वारा चुने शब्दों से की जाती हो। जो भक्त भगवान की भक्ति में स्नेह एवं पूर्णतया निमग्न रहता है स्नेह एवं प्रेम से पूर्णतया निमग्न रहता है उसके मुख से ऐसे चुने हुए शब्दों की झड़ी लग जाती है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें एक छोटे से बालक ने भी जो भगवान का महान भक्त था भगवान की लीलाओं के गुणगान के लिए चुने हुए शब्दों में उत्तम स्तुति की। दूसरे शब्दों में मधुर स्नेह तथा प्रेम उत्पन्न हुए बिना कोई भी व्यक्ति भगवान की स्तुति उत्कृष्ट ढंग से नहीं कर सकता। हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। जब मधुर स्नेह और प्रेम भगवान के लिए जागता है तो ऐसे चीजें होती हैं। ये कुमार थे चार कुमार बहुत ज्ञानी थे और जैसा मैंने पहले बताया ये निर्विशेषवादी थे। पहले निर्गुणवादी भगवान के रूप को नहीं मानते थे और वैकुंठ के भगवान के पैरों में जो तुलसी दल और चंदन लगा था उसकी खुशबू से ही ये भगवान के भक्त हो गए। तो बाकी आपने कथा पढ़ी है किस तरह जय विजय को इन्होंने साप दिया था तो उनके बारे में बता रहे हैं। सातवां श्लोक है प्रोक्तम किल एतद् भगवत्तमेन निवृत्ति धर्माभिर्तायतेन
सनत कुमाराय सचाह पृष्ठ सांख्यायनाय अंग धृत व्रताय। एक बार फिर पढ़ता हूं, फिर आपके साथ पढ़ूंगा। प्रोक्तम किल एत भगवत्तमेन निवृत्ति धर्म निमित्त धर्म अभिरताय तेन सनत कुमाराय च सचाह पृष्ठ सांख्यायनाय अंगधत व्रताय। मेरे साथ पढ़िए। प्रोक्तम किलैत भगवत्तमेन प्रोक्तम किलैत भगवत्तमेन प्रोक्तम किलैत भगवत्तमेन निवृत्त धर्मा अभिरताय तेन निवृत्त सनत कुमाराय सचाह पृष्ठ सनत कुमाराय सचाह पृष्ठ सांख्यायनाय अंगधृत व्रताय शब्दार्थ है। प्रोक्तम कहा गया था, किल निश्चय ही, एतद यह भगवत्तमेन भगवान शंकरसन द्वारा निवृत्ति वैराग्य धर्म अभिरताय इस धार्मिक व्रत को धारण करने वाले के लिए तेन उनके द्वारा उसके द्वारा सनत कुमार आय सनत कुमार को सह उसने च भी आह कहा प्रश्न पूछे जाने पर सांख्यायनाय सांख्यायन नामक महर्षि को अंग हे विदुर धृत व्रताय व्रत धारण करने वाले को इस तरह भगवान शंकरसन ने उन महर्षि सनत कुमार से श्रीमद् भागवत का भावार्थ कहा जिन्होंने पहले से वैराग्य का व्रत ले रखा था। सनत कुमार ने भी अपनी पारी में सांख्यायन मुनि द्वारा पूछे जाने पर श्रीमद् भागवत को उसी रूप में बताया जिस रूप में उन्होंने शंकरसन से सुना था। ये मेरे साथ पढ़िए। इस तरह भगवान शंकरसन ने उन महर्षि सनत कुमार से श्रीमद् भागवत का भावार्थ कहा जिन्होंने पहले से वैराग्य का व्रत दे रखा था। हाँ, पैदा होते ही वैराग्य का व्रत ले लिया था चारों कुमारों। समत कुमार ने भी अपनी पारी में सांख्यायन मुनि द्वारा पूछे जाने पर श्रीमद् भागवत को उसी रूप में बताया जिस रूप में उन्होंने शंकरसन से सुना था। तात्पर्य हरे कृष्णा सोनिया अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा माता जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा परंपरा प्रणाली की यही विधि है। यद्यपि सुप्रसिद्ध सनत कुमार जीवन की सिद्ध अवस्था में थे फिर भी उन्होंने भगवान शंकरसन से श्रीमद् भागवतम का संदेश सुना। इसी तरह सांख्य मुनि द्वारा पूछे जाने पर सनत कुमार ने भगवान शंकरसन से जो आदेश सुना था उसे कह सुनाया। दूसरे शब्दों में जब तक कोई उचित अधिकारी से सुन नहीं लेता तब तक वह उपदेशक नहीं बन सकता। इसीलिए भक्ति योग में 9 बातों में से 2 बातें श्रवण तथा कीर्तन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक से सुने बिना कोई व्यक्ति वैदिक ज्ञान के संदेश का प्रचार नहीं कर सकता। हरे कृष्ण। ये प्रभुपाद कह रहे हैं सुनना हमेशा प्रमाणिक व्यक्ति से, जो भगवान का भक्त हो प्रमाणिक गुरु हो उससे सुनना जरूरी है। हर एक से नहीं सुनना, जो भगवान का परम भक्त नहीं है उसे नहीं सुनना।
क्योंकि आपको उसका असर ही नहीं होगा। तो इसलिए आप किससे सुन रहे हैं? प्रभुपाद से। ये जो लिखा है माता जी ने अभी पढ़ा, सोनिया माता जी ने, सोनिया माता जी के जिह्वा से, जिह्वा में बैठ करके प्रभुपाद बोल रहे थे, ऐसा समझिए। तो ये प्रभुपाद ने लिखा है, प्रभुपाद को हम सुनते हैं, प्रमाणिक गुरु है प्रभुपाद, भगवान के महान भक्त। क्या क्या नहीं किया उन्होंने आप जानते हो उनके बारे में, तो उन्हीं से सुनना चाहिए। ये प्रभुपाद कह रहे हैं कि ठीक से आप गली कूचे में बहुत सारे हैं जो लोग श्रीमद् भागवतम का को सुनाते हैं, गलत काम नहीं है, सुनाते हैं भागवतम के बारे में, भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हैं जितना उनसे हो सकता है। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं इससे जो अपनी जीविका चलाते हैं भागवत सुना के, वो गलत है, पता नहीं, वो कहते हैं ऐसा प्रभुपाद। इसलिए हम उनसे कभी नहीं सुनते जो, क्योंकि वो सीधे पैसा तो नहीं मांगते हैं, लेकिन लोग बार देते हैं पैसा, तो शायद किसी किसी जगह पर भागवत, जहाँ पर अगर आपने कहा कि यहाँ हम भागवत पुराण सुनना चाहते हैं साप्ताहिक भागवत, तो क्या होता है कि वो पहले जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उनसे कहते हैं, वो 2 लाख लेंगे, 1 लाख लेंगे, 3 लाख लेंगे, 4 लाख लेंगे, जो भी है, तो ये लोग इकट्ठा करके उनको वो पैसा अलग देते हैं, और फिर ये जब गद्दी में लोग पैसा चढ़ाते हैं वो अलग होता है। इस तरह प्रभुपाद का कहना ये है कि भागवतम या भगवद गीता को जो सुनाता है और उससे पैसे कमाता है, पैसे कमाने के लिए जो करता है, वो गलत है, उनको नहीं सुनना चाहिए, उसका असर नहीं होगा आप पर, ये प्रभुपाद का कहना है। तो हम क्योंकि वो गुरु हैं, उनकी हम उनको उनके आज्ञा की उनकी अवज्ञा नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको फॉलो करते हैं। तो अगर कहीं भागवत सप्ताह लगा है हम नहीं बैठते उधर, ये बात है, और हम लोगों को नहीं करना चाहिए क्योंकि प्रभुपाद ने ऐसा कहा है। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानार्जन शलाकया चक्षुरुन्मितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाचाल देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे।